खैर अब महाराष्ट्र में श्रीमान उद्धव ठाकरे जी जैसे खामोश बैठने वाली सरकार नहीं है। जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस दल के नेता और पूर्व मंत्री अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक मॉल में घुसते, वहां पर जबरन दुकानें बंद की जाती हैं, थिएटर में जो लोग फिल्म देखने आए हैं उन्हें इनके कार्यकर्ता इनके समक्ष मारपीट करते हैं। कानून हाथ में लेने की इजाजत आपको किसने दी? जब आपके पास महाराष्ट्र की सत्ता थी उस दौरान भी घर पे एक पुलिसकर्मी को लाकर के मारपीट की गई थी, ये देश नहीं भूला। खैर अब महाराष्ट्र में श्रीमान उद्धव ठाकरे जी जैसे खामोश बैठने वाली सरकार नहीं है। जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। पर सवाल उन राष्ट्रवादी के नेताओं से है कि यदि उन्हें किसी फिल्म के बारे में आपत्ति है तो आपत्ति दर्शाने के लोकतंत्र में कई सारे मार्ग हैं। अब लोगों को पीटोगे, लोगों की जबरन दुकानें बंद करोगे, ये सारी चीजें सुर्खियों में आने के लिए है या सत्ता थी उस बात का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ, यह उसका परिचायक है।